हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक वे ऑफ द लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टेंस का पार्ट सेकंड, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डीपली डिस्कस करेंगे। बस आप रटने का ट्राई नहीं करना, वीडियो को ध्यान से पूरा सुने और देखें, क्योंकि एट द लास्ट ऑफ वीडियो मैं आपको कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल रूल बताऊंगी, जो कि बिल्कुल अलग होंगे इस टेंस की पहचान से, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बनेंगे। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप के टेंस पूछ लिए जाते हैं जो बिल्कुल स्पेशल रूल से बनते हैं। उसकी पहचान हमको देखने में तो लगेगी ये इस टेंस की है, बट उनका सेंस कुछ और ही बोलता है, इसीलिए वो अलग टाइप से बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, नाउ वी कमिंग अवर लिस्ट। अब हम लिस्ट देखेंगे, लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। हम अपने प्रोनाउन को थ्री पार्ट में स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन को थ्री पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और सभी पर्सन के तीन केस होते हैं, हम तीन केस में एक एक पर्सन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट प्रोनाउन है आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, और आई का पजेसिव केस है माई एंड माइन। फर्स्ट पर्सन का सेकंड प्रोनाउन है वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, और अस का पजेसिव केस है अवर। अब हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को देखेंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सिर्फ एक है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू ही होता है, और यू का पजेसिव केस योर और योर्स होता है। और थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन की बात करें तो इसमें चार सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्टिव केस में चार प्रोनाउन होते हैं। ही पहला प्रोनाउन है, ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस में होता है हिम, और ही का पजेसिव केस में होता है हिज। सी हर, हर, सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव, और पजेसिव केस में भी हर ही होता है। इट ऑब्जेक्टिव केस में भी इट, और पजेसिव केस में इट्स। सब्जेक्टिव केस में दे, ऑब्जेक्टिव केस में देम, और पजेसिव केस में देयर। फ्रेंड्स, ये लिस्ट थोड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसकी ग्रामर में शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें सबका इसका यूज़ है। ये हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज में भी हमको एक दूसरे में चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में कभी कभी चेंज करना होता है, तो हम इसको अच्छे से एक बार देख लें और कभी इसमें गलती ना करें। अब अपने अपने टॉपिक में आते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम इंडेफिनिट टेंस की पहले से डेफिनेशन जानते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें टाइम बिल्कुल मेंशन नहीं होता है, इसमें टाइम पता नहीं होता है कार्य कब से स्टार्ट हुआ है, इसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो हम आज इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है? यदि किसी वाक्य में आदत या किसी घटना या सत्य घटना आदि का होना पाया जाता है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द भी आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब हर वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बने, ये श्योर नहीं है, पर इसके सेंस ये बिल्कुल श्योर है। आदत, किसी घटना, सत्य घटना, ये सब अगर हमको सेंस सो हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, ये श्योर है। रूल नंबर वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पांच रूल बेसिकली हम पढ़ेंगे, फिर स्पेशल रूल भी इसके पढ़ेंगे। तो रूल नंबर वन है इसका, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ये हम पढ़ चुके। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। अब दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी जोड़ते हैं, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस मेन वर्ब के साथ जुड़ेगी, यदि प्लुरल है तो उसमें मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल,
मैं जाता हूँ, आई गो। मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट में आता है तो इसमें इसकी मेन वर्ब में ऐसे यस नहीं ऐड किया जाएगा, तो आई गो। दूसरे एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे, मोर जंगल में नाचते हैं। पहले तो हम ये देखना है कि यहाँ पे मोर एक है या काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे नाचते से हमें सेंस हो रहा है कि यहाँ पे मोर काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे पीकॉक्स आएगा और यहाँ पे डांसेस नहीं आएगा, क्योंकि हमें मोर जंगल में नाचता है तो डांसेस आता, पर यहाँ पे मोर काफ़ी सारे हैं तो यहाँ पे ओनली डांस अकेले आएगा, द पीकॉक डांस इन द फॉरेस्ट। अब हम प्रेजेंट टेंस के दूसरे रूल में चलते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट अफर्मेटिव था और अब दूसरा पार्ट उसका नेगेटिव था, यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है, कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये सेंटेंस कौन सा है, तो हमको यहाँ पे नहीं का नहीं दिख रहा है तो हम पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस में आता है, तो यहाँ पे लास्ट में ते है आ रहा है, तो ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसका सब्जेक्ट फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। तो हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम अगर वर्ब में कौन क्वेश्चन करें तो हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, कौन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा कुछ लोग। तो यहाँ का ये सम प्यूपल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, सम प्यूपल, और ये सम प्यूपल प्लूरल है तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है वो डू आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर इन यहाँ आ जाएगा मूर्ति पूजा इन आइडल वर्शिप। बेसिकली हम सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे और पीछे से सेंटेंस बनाते रहेंगे, हमारा सेंटेंस पूरा बन जाएगा। जैसे सम पीपल हमने सब्जेक्ट लिखा और करते हैं कि हमने डू लिखा और फिर नहीं की नॉट लिखा, विश्वास की बिलीव लिखा और मूर्ति पूजा में इन आइडल वर्शिप, बिल्कुल ट्रांसलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम ऐसे ऐसे में ट्रांसलेट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें आगे डज आएगा, डज ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ट्रांसलेशन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको इस वाले एग्जाम्पल में समझा दिया है, वैसे ही सब में करना है। तुम अपने मित्र पर संदेह क्यों करते हो, डबल इंट्रोगेटिव। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर सेम सेंटेंस, जैसे हम ये बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। हम थर्ड रूल देखेंगे, कितना कितनी कितने कौन सा कौन सी, तो हाउ मैनी हाउ मच हुज होम। ये चार क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बनते हैं, इन क्वेश्चन वर्ड के साथ इनके रिलेटिव नाउन भी साथ आते हैं। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, वैसे मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव नाउन और इसमें हेल्पिंग वर्ड डू डस सब्जेक्ट। हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, तुम कौन सा उपन्यास पढ़ते हो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बना दें, तो हमें इसके साथ जैसे कौन सा तुमने विच यूज़ किया और फिर इसके साथ इसका नाउन उपन्यास है, तो हमें विच नोवेल डू यू रीड, तो इसके साथ विच के तुरंत ही बाद इसका नाउन आएगा क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे ओनली चार क्वेश्चन वर्ड होते हैं। रूल नंबर 4, हम जानते हैं हु एक क्वेश्चन वर्ड है, फिर भी ये सब्जेक्ट और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसीलिए हु वाले सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं। तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल यू, तो यहाँ पे तुम्हें है इसलिए यहाँ पे ऐसे यस नहीं जोड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब रूल नंबर हम 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 में लिखा है नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, फिर भी ये अफर्मेटिव की तरह ही बनाते हैं। नेवर या ऑलवेज वाले सेंटेंस दोनों अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। जो नेवर या ऑलवेज होता है वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आता है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स अ लाई। अब हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो आएंगे, जो है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल का फर्स्ट रूल है,
जिन वाक्यों के अंत में या कर्ता है शब्द से किसी की आदत या भाव व्यक्त होता है तो मेन वर्ब के रूप में यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब हम सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ पे करते हैं आगे, तो हमने सोचा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो सेंस से बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें उसका सेंटेंस बनाने से पहले उसका एक बार सेंस चेक कर लेना है। यहाँ पे कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो इनकी यहाँ पे हैबिट शो हो रही है। जैसे मेरी दादी मुझे डेली कहानी सुनाया करती थी, तो यहाँ पे यूज टू का यूज़ होगा। इसमें भी एक आदत शो हो रही है, तो यहाँ पे कुत्ते रात में भौंका करते हैं, तो ये भी एक हैबिट है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से नहीं, इसको यूज टू का यूज़ करके बनाएंगे। द डॉग्स यूज टू बार्क एट नाइट। सेकेंड रूल है स्पेशल रूल का। जिन वाक्यों में वर्ब पर जोर दिया जाता है उन वाक्यों में सेंटेंस के अफर्मेटिव होने के बावजूद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एस हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ऐसे ही एस जुड़ जाएगा मेन वर्ब में, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, पर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी अफर्मेटिव होने के बाद भी। तो मैं जाता तो हूँ, यहाँ पे वर्ब पे जोर दिया जा रहा है, जाता तो हूँ, तो मैं जाता पे फोकस कर रहा हूँ, मतलब वर्ब पे फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पे जोर हो रहा है। तो इसमें अफर्मेटिव होने के बाद भी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। दूसरा एग्जांपल से हम देख सकते हैं, मैं उसकी मदद करता तो हूँ, आई डू हेल्प हर। हम स्पेशल रूल का थर्ड रूल देखेंगे। कुछ वाक्यों में कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह होते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। जैसे वह मेरी समस्या समझ रहा है, ही इज अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ये बनेगा ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आई होप कि आपको स्पेशल रूल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल सम क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।